हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले यूजेसिक्स सबलिंगुअल टैबलेट के बारे में, जिसका उपयोग किया जाता है दर्द में और इसको मैन्युफैक्चर करते हुए मेहरा ऑर्गेनिक है। और इसका 10 स्ट्रिप का टैबलेट है जिसकी कॉस्ट है 106 रुपया। इसका जो कंटेंट है वो पिरोक्सिकम 20 mg है इस टैबलेट में। तो यूजेसिक्स टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, इसे डॉक्टर कब प्रेस्क्राइब करते हैं, आपको किन प्रॉब्लम में लेना चाहिए और इसके क्या साइड इफेक्ट और इसके क्या बेनिफिट्स देखने को आ सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और आप ऐसे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यूजेसिक टैबलेट का उपयोग तभी करना है जब आपको दर्द हो रहा है, जैसे कि आपका जॉइंट पेन हो रहा है या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, हड्डियों का जो दर्द हो रहा है या हड्डियों के कमजोरी की वजह से जो आपको दर्द हो रहा है, या आपको रियूमेटाइड या आपको अर्थराइटिस हुआ है जिसके वजह से जॉइंट पेन हो रहा है, आपका मसल्स पेन हो रहा है या आपको डेंटल सर्जरी हुई है उसके बाद जो दर्द हो रहा है, तब इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर इसका उपयोग करना है और इसका फ़ायदा लेना है तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, आप खुद से लेते हैं तो हो सकता है आपको कहीं साइड इफेक्ट देखने को आ सकते हैं। जिसके साइड इफेक्ट हैं, आपका जी मचला सकता है, उल्टी आ सकती है, सर दर्द हो सकता है और अपचन हो सकती है आपको। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो जैसे आप लेना स्टार्ट करते हैं देखेंगे कि आपको एक 10 मिनट के अंदर इसका रिलीफ मिलने लगता है जो आपको दर्द हो रही थी। जैसे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द हो रहा था, हड्डियों का दर्द या जॉइंट दर्द या आपको डेंटल दर्द, तो उसमें आपको आराम मिलने लगता है। इसके डोसेस एप्लीकेशन के बारे में, इसका डोसेस के बारे में बात करें तो इसे वंस डेली लेना है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो ट्वाइस डेली ले सकते हैं, अगर नहीं हो रहा तो वंस डेली लें, अगर नहीं दर्द हो रहा तो आपको इसे नहीं लेना है। तो इसका उपयोग अगर आपको दर्द हो रहा है तभी इसका उपयोग करना है, अगर नहीं हो रहा तो नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है टैबलेट खाने के बावजूद भी, जैसे आपको आराम हो रहा है फिर दर्द हो रहा है, तो फिर आप ले सकते हैं। इसको आपको टैबलेट को लेना है, अपने जीभ के अंदर रखना है और इसे उधरी इसको गलने देना है या आपके चिक्स के साइड में रख के उधरी गलना है। इसको निगलना नहीं है और इसको कूचना या चबाना नहीं है, इसको खाना खाने के बाद ही लें। इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है इन सारे कंडीशनों में। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक कर दें, और आप ऐसे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।